हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे बिस्किट की रेसिपी जिसे आपको बेक नहीं करना है। आपने बिस्किट्स तो बहुत टाइप के खाए होंगे, लेकिन ये वाला बिस्किट आपने आई एम श्योर आज तक नहीं खाया होगा, क्योंकि इसे हम बिना बेक किए हुए बनाने वाले हैं। तो चलिए इस ईजी सी रेसिपी को बहुत अलग तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कप सूजी, और ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। इसी कप के हिसाब से एक कप गेहूं का आटा, जो हम रोटियां बनाने में यूज करते हैं। थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम मिक्स करके लिए हैं मैंने। और आधा कप मैंने घी लिया है इसी कप के मेजरमेंट से, जिससे हमने सूजी और आटा लिया है उसी कप के हिसाब से आधा कप घी लिया है। ये 50 ग्राम है। और यहाँ पे हमने लिया है दूध, 50 ग्राम ही दूध है। दूध हमें उतना ही लेना है जितने की हमें इसमें रिक्वायरमेंट रहे। और यहाँ पे मैंने लिया है एक कप चीनी, जितना हमने आटा लिया है उसी के मेजरमेंट से चीनी ली है। तो अब हम सबसे पहले हमारे बिस्किट के लिए डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें अपना दूध प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो शुगर हमने ली है वो हम इस तरह दूध में डाल के, और अच्छे से हमें पूरी शुगर को दूध में मिक्स करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप दूध उतना ही लें। दो बार में हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, क्योंकि मेरा बाउल जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो अगर मैं एक साथ में डाल दूंगी तो वो दूध जो है वो नीचे गिरेगा। तो इसलिए मैं इसको दो भागों में डालूंगी, और हमें पूरी शुगर है वो इसमें ऐड करनी है, और दूध उतना ही लेना है जितने की हमें रिक्वायरमेंट रहे। तो मेरा दूध थोड़ा सा हॉट है तो ये जल्दी पिघल जाएगी। और इसके बाद हम ये जो बची हुई शुगर है इसको भी इसमें डाल के अच्छे से पिघला देंगे। तो ये देखिए, चीनी जो है वो अच्छे से घुल चुकी है इसमें, और आप देख सकते हैं दूध का कलर भी चेंज हो चुका है शुगर की वजह से। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और इस तरह से एक परात लेंगे। इसमें हम सबसे पहले सूजी डालेंगे, फिर आटा, और इसमें हम ये घी मिक्स करेंगे। मोइन के लिए हम घी डालते हैं ताकि बिस्किट जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बने और अच्छे बने। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है इसको बिल्कुल अपने हाथों से। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। देखिए, घी की जितनी हम क्वांटिटी लेते हैं उस पे हमारे डो का पूरा डिपेंड करता है। अगर आपका घी, आप पूरा घी लेते हो तो आपको दूध की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। अभी मैंने जितना दूध लिया है उतना दूध मुझे इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि मेरी जो घी की क्वांटिटी थी वो काफ़ी अच्छी डाली है मैंने इसमें। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके, तीन तीन चार चार चम्मच करके, और ये जो दूध था हमारा शुगर मिक्स किया हुआ वो डालेंगे, और हमें इसका एक बहुत ही सॉफ्ट डो बना के प्रिपेयर करना है। इस कंसिस्टेंसी में आने के बाद हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इस ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे। मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो ये देखिए, अब आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये अच्छे से बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा डो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर है। तो ये देखिए, ये हमने शुगर ली है, और थोड़ी सी शुगर लेंगे हाथों में और इसमें इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि मेरा जो दूध है वो थोड़ा सा बच गया था, तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर डाली है। और जब हम बिस्किट खाएंगे तो उसके ऊपर भी ये इसकी थोड़ी जो क्रेमल है, चीनी को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल ऐसे ये दानी दानी सी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो अब इसको मिक्स करने के बाद इस तरह से थोड़ा सा डो लेंगे, और इसको इस तरह से बॉल्स बनाएंगे पहले। और उसके बाद इसको हमें इस तरह बिल्कुल ऐसे गोल राउंड में बना लेना है। शुगर
शेप आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो इनको दे सकते हो। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक ग्रेटर लिया है, तो इसको इस तरह से इस पे रखेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए, इस तरह का डिज़ाइन आपको इससे मिल जाएगा। और अदरवाइज आप जो भी इस तरह के आपके पास जितने भी ग्रेटर्स हों अलग अलग डिज़ाइंस के, तो आप अपने बिस्किट्स पे वो डिज़ाइन दे सकते हो। तो इसी तरह से हम अपनी जो बाकी बिस्किट भी हैं वो बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक दो डिज़ाइन और करके दिखा देती हूँ। ये बिस्किट्स जो है फ्रेंड्स, वो मार्केट जितने पतले नहीं होते हैं, ये इतने थोड़े ये मोटे ही रहते हैं। तो आप इनको ज्यादा पतला करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम इनको बेक नहीं करने वाले हैं, हम इन्हें फ्राई करने वाले हैं। तो इस तरह से हम एक नाइफ लेंगे और ये जो बिस्किट्स हमने बना लिया है इसके ऊपर इस तरह से, या फिर अगर आपके पास कांटी अवेलेबल हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो ये डिजाइन बनाने में। इसी तरह से हम अपने सारे बिस्किट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लेते हैं। और अगर आपके पास कोई भी ग्रेटर, ये जो इस तरह का ग्रेटर है या कुछ और डिजाइन का अवेलेबल ना हो, तो ये देखिए, घर में कंघा, घर में सभी के घर में कंघा होता है, तो आप न्यू कॉम का यूज कर सकते हो इसमें। तो इस तरह से ओके, ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन कॉम से बनता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो डिजाइन बनाने में। हमने अपने सारे बिस्किट्स को बना के रेडी कर लिया है और देखिए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन से बनाए हैं। जैसे कि ये डिजाइन मैंने नाइफ से किया था और ये डिजाइन मैंने कॉम से किया था। तो आपको जो भी डिजाइन अच्छा लगे, और एक सेकेंड, एक ये वाला डिजाइन जो मैंने आपको उससे करके दिखाया था ग्रेटर से, तो अभी आपको जो भी डिजाइन अच्छा लगे आप वो डिजाइन बना सकते हो। तो अभी हमारे बिस्किट को हमने बना लिया है, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आप देख सकते हैं तेल जो है वो हल्का हल्का अब गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। बिस्किट्स को फ्राई करने के लिए हमें तेल फुल गर्म चाहिए, तो हम फुल गर्म तेल हमें एक बार करना है और फिर उसमें बिस्किट के डालते ही हमें गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम पे कर देना है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम गैस बिस्किट्स को इसमें डाल देते हैं और गैस का फ्लेम स्लो पे कर देंगे। बिस्किट्स डालने के हमें एक मिनट तक इनको हिलाना नहीं है और उसके बाद हम इनको इस तरह से थोड़ा सा तेल में डाल देंगे। तो अभी आप देख सकते हो बिस्किट जो है वो डालते ही हमारा तेल अच्छा गर्म है, तो ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इनको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हमें फ्राई करना है। ओके, और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे पलटना है। फ्रेंड्स, बिस्कुट बनाने की मैंने और भी बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ पहले भी शेयर की है, लेकिन ये वाली रेसिपी सबसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम बिस्किट्स को बेक नहीं कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। और ये एकदम देखने में बिल्कुल आलू की टिकिया जैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए, बिस्किट्स बिल्कुल हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इनको निकाल लेंगे बाहर। इसे आप किचन ड्रॉर पे निकालें ताकि आपका जो एक्सेस ऑयल है वो बिस्किट्स में ना रहे, निकल जाए। सभी बिस्किट्स का बहुत ही अच्छा एकदम से सुनहरा कलर आया है, आप देख सकते हो। अब हम बाकी बचे हुए बिस्किट्स को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे।
हमारे बिस्किट्स बनके बिल्कुल रेडी हैं और आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है इनका। बहुत अच्छे से ये फ्राई हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी फिर आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।